हरा में भी किया, जब आपका ऑपरेटिंग रेशियो 101 रुपया था, यानी कि 100 रुपया कमाने के लिए आप 101 रुपया खर्च कर रहे थे, और उसको आप कम करने के लिए आपने एडवांस पेमेंट्स लिए, और एडवांस पेमेंट्स लेने के बाद आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम हुआ 97 रुपए पे आया। ये खामियां मैं यहाँ पे सदन के माध्यम से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूं। दूसरा, आप ये कहते हैं कि सर जस्ट वन मोर मिनट, टू मोर मिनट्स यू गिव मी, आई एम कंक्लूडिंग। आप ये कहते हैं कि आप जो है हमें रेलवे बजट ये बताता है, और बजट की गणित हमें ये बताती है रेलवे डिपार्टमेंट की, कि आपके जो राजस्व प्राप्तियां होंगी वो 2.2% आपके खर्चे से ज्यादा होंगी। ये मान्यवर अभी तक पिछले 7 साल में ये नहीं हुआ है, और अगर राजस्व प्राप्तियां जो है ये तो और बढ़ी हुई है तो उसका कारण भी था। आपने जो ये प्रोजेक्शंस किए हैं उसके दो कारण है सर। आपने कहा कि आपका जो मालगाड़ी आता है उसमें आपको जो है बढ़ोतरी होगी 13.6% की, और आपने ये भी कहा कि पैसेंजर यानी कि यातायात से आपको 31.8% की जो है वृद्धि होगी आपकी अर्निंग पे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ पिछले साल को छोड़ करके जो आपका बेस ईयर कोविड ईयर था उसकी वजह से पिछले साल आपकी अर्निंग 191% जो है जंप हुई। ये अब होने वाला नहीं है सर, क्योंकि बस आई एम कंक्लूडिंग, ये अब होने वाला नहीं है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिरी बार रेलवे लास्ट पॉइंट सर, आफ्टर दिस आई कंक्लूड, लास्ट पॉइंट एंड आई कंक्लूड आफ्टर। इसके बाद आपने जो है 2017-18 में जो है आपने कभी डबल डिजिट छुए थे, उसके बाद से आज तक आप लोगों ने नहीं छुआ है। इसलिए आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो ये प्रोजेक्शंस करते हैं सर, ये फिर से एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। रेलवे विभाग को निरंतर उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, और उसके साथ साथ रेलवे विभाग में जो नौकरियां हैं, जो नौजवान उसके अंदर नौकरियों में आते थे, उनके साथ विश्वासघात होता चला जा रहा है। मैं अंत में अपनी बात यही कहूंगा कि इस देश के नौजवान को चेतने की जरूरत है। मैं खत्म कर रहा हूं, इस देश के नौजवान को चेतने की जरूरत है। यदि वो अपना एक उज्जवल भविष्य चाहता है तो इन पीएसयू को बिकने से रोकने की जरूरत है। रेलवे विभाग को भी ये जो तमाम लोग बेचने का काम कर रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि जो 5000 रुपया रेलवे जो कॉन्ट्रीब्यूट करता था राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के लिए, ट्रैक्स रिपेयर के लिए, इसको आप 1/4 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये हमारे विभाग के, रेलवे विभाग की जो एक दुर्गति हो गई है उसको सामने लाने का काम करते